नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अपनी LDC की एफिशिएंसी की कक्षाएं चल रही थी, जिसमें प्रथम वीडियो में हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक क्या है, मतलब इसके क्या क्या इसमें नाम है, क्या क्या ये चीज़ें हैं, क्या क्या इसके प्रोग्राम्स वगैरह हैं। आज मैं बताऊंगा आपको कट कॉपी तथा पेस्ट कमांड का यूज़ MS एक्सेल में किस प्रकार किया जाता है। दोस्तों, यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तथा LDC की पूरी एफिशिएंसी मेरे द्वारा इस YouTube चैनल पर करवाई जाएगी, अतः मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, आज की कक्षा में हम सीखेंगे कट कॉपी तथा पेस्ट कमांड का यूज़ MS एक्सेल में किस प्रकार किया जाता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो जैसे मैं ये है दोस्तों, कट कमांड। कट कमांड का मतलब होता है किसी डाटा को उस सेल में से डिलीट कर देना, कट कर देना। इसके लिए अपने शॉर्ट की होती है Ctrl+X। आप देख सकते हो Ctrl+X इसकी शॉर्ट की होती है। अब आती है बात कॉपी की। तो दोस्तों, कॉपी का मतलब होता है एक डाटा को दूसरी जगह कॉपी कर देना, मतलब डाटा उस सेल में भी रहेगा तथा दूसरी सेल में भी अपन उसको पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी के लिए शॉर्ट की के रूप में Ctrl+C का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है दोस्तों पेस्ट कमांड। पेस्ट का मतलब होता है जो डाटा अपन ने कट या कॉपी किया है उसको किसी सेल में लिखना, मतलब पेस्ट कर देना। इसके लिए शॉर्ट की होती है Ctrl+V। अब मैं इसके लिए आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ ये क्या चीज़ क्या है ये। जैसे मैं कुछ लिख देता हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जैसे ये B4 सेल है अपनी, मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि सेल्स क्या होती है। ये जैसे ये एड्रेस बॉक्स है, इसमें B4 लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि B कॉलम है तथा 4 रो है, इसीलिए यहाँ एड्रेस बॉक्स में B4 है। ये सेल मैंने सिलेक्ट कर ली। अब इसको जैसे मुझे कट करना है, अब मैं इसको यहाँ B10 में पेस्ट करना चाहूँ, तो ये देखिए ये पेस्ट हो गया। अब एक इसको मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूँ। ये कॉपी कर दिया मैंने और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देख सकते हो आप दोस्तों, कट व कॉपी में क्या फ़र्क है। दिस इज़ माई पेन को मैंने B4 से कट किया तथा यहाँ पेस्ट किया, तो यह B4 में नहीं रहा, मतलब B4 से डाटा डिलीट हो गया। अब यह इस B10 सेल में अपना डाटा आ गया है। अब इसी प्रकार जब मैंने 55 को कॉपी किया तो वह यहाँ भी है तथा यहाँ भी है, मतलब आप समझ सकते हो कट किया तो ये यहाँ से डिलीट हो गया, कॉपी किया तो ये यहाँ भी रहेगा, ये यहाँ भी रहेगा। मतलब कट का मतलब होता है किसी चीज़ को वहाँ से मिटा देना, हटा देना। अब दोस्तों, आप एक साथ कई सेल में भी, जैसे मैंने इसको कॉपी कर दिया, अब एक साथ आप कई सेल सिलेक्ट करके भी उसको एक साथ पेस्ट कर सकते हो। ये देखिए ये पेस्ट हो गया। अब जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ दोस्तों एक बार और, ये कॉपी किया मैंने। अब यदि मैं इसको यहाँ पेस्ट करना चाहूँ तो मैं कीबोर्ड के एंटर की सहायता से भी इसको पेस्ट कर सकता हूँ, मतलब कोई चीज़ को कॉपी करो और एंटर प्रेस कर दो तो भी ये आपका डाटा दूसरी सेल्स में कॉपी हो जाएगा दोस्तों। तो ये था कि इस प्रकार कर सकते हैं। एक आप अपन माउस की राइट क्लिक की सहायता से भी कॉपी कर सकते हैं। आप देख सकते हो, इसमें मैं इसको पेस्ट करना चाहूँ तो ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ भी आ गया। मतलब कट का मतलब होता है किसी चीज़ को वहाँ से हटा देना, कॉपी का मतलब है कि वह डाटा वहाँ भी रहेगा तो दूसरी सेल में भी हम उसको ले जा सकते हैं, तथा पेस्ट का मतलब है कि जो चीज़ अपने कट या कॉपी की है उसको किसी दूसरी जगह लिखना। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। एंटर वाला भी मैंने आपको बता दिया, जैसे इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ तथा यहाँ जाके यदि पेस्ट करना चाहूँ तो एंटर प्रेस कर सकते हो। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, तथा अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आगे की कक्षा भी मैं निरंतर ऐसे जारी रखूँगा। ये अपनी दूसरी कक्षा थी LDC एफिशिएंसी की। फर्स्ट कक्षा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू दोस्तों।